हेलो स्टूडेंट, डी एंड जे अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे पास में उदाहरण नंबर 4 है ना, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक मिठाई वाले हैं, उनके पास में मिठाई है। अब मिठाइयों में कौन सी मिठाई है भाई? पहली तो है काजू। काजू के लिए आपने मिठाई खाई भी होगी है ना। उसके बाद में और क्या है? काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है ना। एक तो 420 काजू की बर्फी है और जो 130 है वो बादाम की बर्फी है। तो ये दो प्रकार की हमारे पास में मिठाइयाँ है इस दुकानदार के पास में। अब ये हमको क्या करना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है कि वह इनकी ऐसी डेरिया बनाना चाहता है। डेरिया मीन्स देखो, आपने दुकानों में देखा ही होगा कि जो ट्रे रहता है उनका, उनके ट्रे में वो जो जिस प्रकार से जमा के रखते हैं उसको हम डेरिया बोलेंगे ना। कि डेरिया बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अब वो जो डेरिया बनाना चाहता है मीन्स कि जो हमारे पास में ये ट्रे है उसका, मान लीजिए कि ये उसका ट्रे है, इस ट्रे में वो जो है अपनी बर्फियाँ रखना चाह रहा है, ठीक है। तो कैसे रखेगा? ये रखेगा। अब ये जो रखने की कोशिश कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए बोल रहा है वो, कि समान होनी चाहिए है ना। क्या होनी चाहिए? समान। देखिए प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कैसी रहे? समान रहे। तथा ये डेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम घेरे। ये डेरिया जो है बर्फी की परात को कम से कम घेरे, मीन्स कि जो परात है वो जो पूरी तरह से यूज होना चाहिए है ना, वो पूरी तरह से यूज हो जाना चाहिए। मतलब कि वो जगह जो है बहुत, मतलब जगह की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बर्फियाँ जो है इस प्रकार से रखी जानी चाहिए। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो हमको ये बताना है कि इस डेयरी में, मतलब ये जो लाइन है उसमें कितनी बर्फियाँ वो जमा देगा, करेक्ट। तो ये हमको जो है क्वेश्चन में हमको ये बताना रहेगा है ना, कि कितनी डेयरियाँ जो है लगेगी है ना। तो हमारे पास में जो दिया है वो क्या दे करके रखा है उसने? दिया है, क्या दिया है भाई इसने हमको? तो दिया है कि जो विक्रेता के पास में काजू की बर्फी है वो कितनी है? 420 है ना। तो काजू की बर्फियाँ जो है हमारे पास में, काजू की बर्फियाँ हमारे पास में 420 है। कितनी है? 420। और उसके बाद में बादाम की बर्फियाँ तथा बादाम की बर्फियाँ तथा बादाम की बर्फियाँ कितनी है हमारे पास में? 130, 130 है भाई, ठीक है। ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है यहाँ पे हमको, क्या ज्ञात करने को बोल रहा है वो, कि तुमको क्या ज्ञात करके बताना है हमको कि जो डेयरियों की संख्या होगी वो कितनी होगी। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती, मीन्स कि एक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखेगा है ना। तो जो विक्रेता है ना, विक्रेता एक डेयरी में कितनी बर्फियां रख सकता है, यह हमको बताना है उसमें है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, आप ऐसा समझिए कि जब आपको दो चीज़ों को एक ही चीज़ में मिक्स करना हो तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन का एससीएफ फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? एससीएफ। और वो एससीएफ को हम किससे फाइंड कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं इस चैप्टर में, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर सकते हैं। और वैसे भी यदि हम एससीएफ ज्ञात करना चाहें तो आसानी से आप कर सकते हो। तो यहां पे हमको निकालना है कुल मिलाकर के महत्तम समापवर्तक एससीएफ निकालना है। क्या निकालना है हमको? एससीएफ निकालना है। तो अब महत्तम समापवर्तक निकालना है तो उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो हमारे पास में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हमारे पास में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा होता है या तो उसके इक्वल होता है, परंतु b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है हमको हमेशा याद रखना होगा कि जो a की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, बिग वैल्यू a की होगी। तो यहां पे 420 कौन होगा? a हो जाएगा। तो यहां पे आ गया 420, 120 आ गया। और जो b की वैल्यू होगी वो कौन हो जाएगी? 130 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 गुना, यहां पे गुने में, क्योंकि q जो है गुने में है। अब हमको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है
एक ऐसा मान ढूंढना है हमको कि यदि क्यू का हम इसमें गुना करें तो वो 420 के करीब आ जाए, इर्द गिर्द आए हमारे पास में। तो अब क्या होगा, देखिए अब ये है हमारे पास में 13 एक प्रकार से, और ये हमारे पास में 42 है। क्या हमारे पास में 42 एक प्रकार से देखा जाए तो 42 है। मीन्स क्या हो जाता है, 13 चौक हमारे पास, 13 कितना होता है 39, और 13 चौक कितना होता है 52 होता है। ठीक है, तो मीन्स की क्या होगा कि 13 39 तीन ही बार जाएगा, और अगर हम चार बार देने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस आर कितना आएगा, तो कैसे फाइंड करते, देखिए 420 लिख दिया हमने, यहां पे 420 लिख दीजिए। अब इसमें से क्या करो, इनका गुना माइनस कर दो, 309 क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। 3 3 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 420 में से 390 को माइनस कर दो, 420 में 390 माइनस होगा, 0 में 0 हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब 2 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हेल्प ले लेंगे, इसके पास में 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 12, और 12 में से 9 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। मीन्स कितना आ गया, ये 30 आ गया, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में आर की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक रूल होता है कि जब आर का, जब तक मान आर का 0 नहीं आता तब तक हमको एचसीएफ नहीं मिलता है। तो एचसीएफ फाइंड करना है हमको, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको जो हमारे पास में बी रहता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए बन जाता है ए। क्या बन जाता है वो, ए। तो अब हमारे पास में जो होगा नेक्स्ट स्टेप में, पुनः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो ए हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 130, और जो बी हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम 30 में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी आपको बड़ा सिंपल है, 0 0 को छोड़ दो आप, 3 और 13 समझो कि 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 13 आ जाए। तो 3 चौक 12 होता है, मीन्स के यहाँ पे कितने का करेंगे हम, 4 का करेंगे, करेक्ट। प्लस अब 30 में 4 का गुना करोगे तो 3 चौक कितना हो जाता, 12, कितना हो जाता, 3 चौक 12, मीन्स के 120 आ जाएगा। 30 में गुना करोगे 4 का तो 120 आएगा। अब 120 में से यदि 120 को घटाना हो 130 में 100, तो आपके पास में कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ये आसान सा, इसके लिए हमने डायरेक्ट कर लिया, अदरवाइज आप क्या करते, 130 को पहले लिख देते, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, मीन्स के 4 0 क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता, और 4 3 कितना आ जाता, 12, फिर माइनस करते 0, और 3 में से 2 जाता 1, और 0 ये हो जाता, तो हमारे पास में कितना आ जाता, 10। परंतु हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को तब तक प्रयोग करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जब तक आर का मान शून्य नहीं आ जाता, तो हमको आगे करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब हमारा बताइए जरा कि हमारे पास में जो ए की वैल्यू क्या होगी, आप समझ ही गए होंगे क्या होगी हमारे पास में ए की वैल्यू, ऑलरेडी 30 होगी, है ना। और बी की वैल्यू क्या होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि हो जाएगी 10। मल्टीप्लाई में 10 का क्या मल्टीप्लाई करें हम, कि जो हमारे पास में 10 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जिससे हमारे पास में वो 30 आ जाए, तो ऑलरेडी 3 आएगा, आप जानते हो कि 3 आ जाएगा, और प्लस 10 3 30 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। मीन्स कि हमारे पास में आर कितना आ गया है, R इक्वल टू क्या आ गया है, 0। देखिए तो यहाँ पे हमने देखा R इक्वल नॉट 0, ठीक है, इसलिए हमको ये इसका प्रयोग करना पड़ा, R इक्वल नॉट 0, इसलिए हमको पुनः, देखिए आप क्या करोगे, ये स्टेप के बाद में ये लिखना होगा आपको, और फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसके बाद में ये करोगे, और इस स्टेप के बाद में आपको इसको लिखना होगा, उसके बाद में वापस से ये लिखोगे। अब यहाँ पर आर इक्वल टू 0 आ गया तो हम ये लिख देंगे, परंतु आया किसकी वजह से, क्या 3 की वजह से आया, 3 का मल्टीप्लाई करने से, नहीं। क्या होता है कि ये 10 जो सामने नंबर होता है, जो बी की वैल्यू होती है, उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि इसमें मल्टीप्लाई हमने ये यहां पे एक्स वाई जेड कोई भी नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई हमने इस नंबर में किया, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई तो हम किसी में भी कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, पर क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या नहीं, तो हमने 10 में किया है, है ना। तो 10 हमारा एचसीएफ कहलाता है, 10 कौन कहलाएगा, हमारा एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो अब क्या होगा हमारे पास में, अब हम जो है किस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो विक्रेता है वो
जो मिठाइयाँ है उसकी जो डेयरी बनाता है, कितने कितने की डेयरी बनाता है, 10-10 की, है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः, है ना, क्या लिखेंगे हम, अतः विक्रेता मिठाई की प्रत्येक डेयरी 10 की बनाता है, 10 की बनाता है ना। तो ये हमारे पास में उदाहरण इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है, आसान है। आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के आपके पास में टू मेथड है, बट हमको जो है 10th में जो फर्स्ट चैप्टर में है उसमें हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही याद करना है, तो हम इससे करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से जो है, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है या उदाहरण नंबर जो 4 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं।